फ्रांस ने सरकारी स्कूलों में लड़कियों के अबाया पहनने पर बैन लगा दिए हैं, जिससे सेकुलरिज्म और महिलाओं के कपड़ों पर नया विवाद शुरू हो गया है। फ्रांस के एजुकेशन मिनिस्टर ने कहा है, कुछ मुस्लिम महिलाओं द्वारा पहने गए लंबे लहरती स्टाइल को अलाउ नहीं किया जाएगा स्कूलों में अगले एकेडमिक टाइम से। 2004 में फ्रांस ने एक लॉ पास किया था जिससे वो रिलीजियस सिंबल्स को स्कूलों में पहनने से बंद किया था, जैसे इस्लामिक हेड स्क्रब, जूस किपास, सिख टर्बन्स, क्रिश्चियन क्रॉसेस। अब तक इसमें अबायास को इंक्लूड नहीं किया गया था क्योंकि मुस्लिम कॉलेज के हिसाब से अबाया एक रिलीजियस अटायर नहीं बल्कि एक टाइप ऑफ फैशन है, जिससे अभी रिलीजियस अटायर मानते हुए बैंड इम्पोज किया है। जो भी है, गवर्नमेंट ऑफ फ्रांस का ये नया डिसीजन फ्रांस के सेकुलर लॉस के बारे में एक नया राजनीतिक बहस छेड़ दी है कि क्या वो देश के मुस्लिम माइनॉरिटीज के खिलाफ भेदभाव करते हैं। आपको क्या लगता है?